हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है और उसका उपयोग कहाँ पे और कैसे किया जाता है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए, हम लोग आज एक्सेल पे अटेंडेंस तैयार करने वाले हैं। तो इसके लिए देखो, शीट वन पे तुमने स्टूडेंट डाटाबेस तैयार किया है। अब इसी वर्कबुक में हम आ जाते हैं शीट टू में, और यहीं पे हम एक अटेंडेंस शीट तैयार करेंगे। तो पहले तो मुझे एक हेडिंग देना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। और हेडिंग देने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, मर्जिन सेंटर पे क्लिक करूंगा और मैं टाइप कर दूंगा, मतलब किसका बना रहा हूं वो नाम लिखना बहुत जरूरी है, किस संस्था के थ्रू क्या है कैसे है। तो और बोल्ड थोड़ा बड़ा कर दिए, कलर ब्लैक, हिल टेक्स्ट वाइट, ठीक है। फिर से बीच में मर्ज करूंगा और इस बार लिखूंगा कंडीशनल बोल्ड, और इसका भी फॉर्मेटिंग हम अपने हिसाब से चेंज कर दें। कोई कलर दूसरा ले लें क्या? ठीक है बाबू, अब इतना करने के बाद से यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले हम लोग ऐसे ही तो काम करते थे, आप लोग का अटेंडेंस ऐसे ही बोलते थे। अब तो हम लोग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, पहले अटेंडेंस बोलते थे, सबसे पहले क्या रहता था, तो रहता था वह रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद से स्टूडेंट नेम, और ज्यादा कुछ नहीं देते थे हम लोग, क्योंकि यही मतलब था। और अटेंडेंस में जैसे हम फीस चेक कर रहे हैं आप लोग का, तो बस यही रखता था क्या है? कोर्स कौन सा है, और उसके बाद से उसका ड्यू डेट क्या है, बोला अटेंडेंस बनाते समय हम रखते थे, ठीक है। तुम अपने हिसाब से बता रहे हैं, अदर जगह अलग तरीके से लोग बनाते हैं, ये हेडिंग नहीं रखेंगे कोर्स और ड्यू डेट का, लेकिन मैंने दोनों बना दिया, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे आने के बाद से अब यहाँ पे हमको क्या करना, डिवाइस अटेंडेंस बोलना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आऊंगा मैं और यहाँ पे करूंगा वन और यहाँ पे कर दूंगा टू, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तीस तक आ गया। अब देखो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, बोलो बनाते रह जाएंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको जहां तक है उसको सेलेक्ट करके बॉर्डर देते हैं, यहां तक चाहिए हमको, पूरा सेलेक्ट करके लास्ट तक आएंगे। और होम पे आके ऑल बॉर्डर, इस पूरे को हेडिंग थोड़ा सा सही बोल्ड कर देना है, ऐसे बनाना पड़ेगा आप लोग भी जहां काम करेंगे, इसलिए मैं बना के सामने दिखा रहा हूं। मेरे पास रेडीमेड फॉर्मेट है, बस क्लिक करते तो दिखा देता। अब कलर चेंज कर देंगे, हो जाएगा। अब इतना करने के बाद से अब तो इतना ज्यादा ज्यादा स्पेस ले रहा, क्या मतलब है बोलो, तो ये स्पेस हम कम भी कर सकते हैं। तो कम कैसे करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। अब मान लो 5-6 लड़कों का मैं अटेंडेंस बोल रहा हूँ, या उस बैच में उतने ही लड़के हैं, तो एक का है 41 45 और दूसरे का है 41 47, ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर जिनका मैंने लिख दिया, इतने लड़कों का, तो हम देख देख के अपने हिसाब से चढ़ाएंगे जैसा रहेगा।
और इसका मान लीजिए जो नाम है, वह है सुरेश, उसके बाद अजय, उसके बाद चंदन, नहीं तो परेशान हो, खाली यन यन आर आर लिखते हैं, इसलिए चेंज कर दिया। अच्छा बबलू नहीं, बबलू वही आदत आ गया फिर से, कल इतना समझाने के बाद भी तुम सुधरे नहीं, ठीक है, यही होता है, इसलिए कहना तुम्हें छोड़ दिया, गधों को कोई असर नहीं पड़ता। गर्मी में जो आना चाहिए वो आता नहीं, चाय पी लेते। चलो ये हमने इतना लिख दिया, अब इनका कोई ना कोई ड्यू डेट होगा, तभी इसके बारे में चर्चा नहीं करना हमको। अब देखो मान लो आज कौन सा डेट है, चलो हमारी सबसे 1 तारीख है आज, ठीक है, तो मैं आज का अटेंडेंस बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा सुरेश, बोलेगा यस सर, तुम चढ़ा देंगे पी, ठीक है, मैंने बोला अजय, तो ऐसा ही हम अटेंडेंस चढ़ाते थे, मैं चढ़ा दूंगा ए, नहीं आया, आया नहीं है वो, अजय दूसरा है, चंदन प्रजेंट, अभिषेक प्रजेंट, प्रदीप लिव लिए, संदीप प्रजेंट है, तो ऐसे हम लोग बोलते जाते थे और शॉर्ट में ऐसे लिखते जाते थे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पी लिख रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ, पी ए एल लिख रहा हूँ, कि जैसे मैं लिखूं, ध्यान देना, इसका फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक चेंज होने का मतलब अटेंडेंस वाले डेली तो बोलूंगा ही बोलूंगा, और चढ़ाना चढ़ाना जाहिर सी बात, यही हमारा काम ही है कि आप बैठे रहो, जितने हमारे इम्प्लाई लेबर आ रहे हैं, और एक बार अटेंडेंस बोल देना, चढ़ा देना पी ए एल जो भी है, ठीक है, उसके बाद से उस हफ्ते में या महीने में सैलरी हम बनाएंगे उनका, ठीक है, या उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे, उस महीने में कितना दिन आए कितना दिन नहीं आए हैं, तो वह कैसे चेक करेंगे, तो जब तक रिपोर्ट नहीं बनेगा तब तक कहाँ चेक कर पाएंगे, तो वही रिपोर्ट हम बनाना बता रहे हैं आपको। वैसे मान लो 2 तारीख को भी बोल दिया सुरेश अब्सेंट थे या प्रजेंट थे, प्रजेंट थे, प्रजेंट थे, अब्सेंट थे, लीव लिए थे, प्रजेंट थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जैसे मैं पी करूं तो उस टेक्स्ट का कलर और सेल का जो कलर है वो आ जाए ग्रीन, और जैसे मैं ए करूं तो आ जाए रेड, और जैसे मैं यल करूं वहां पे आ जाए येलो, जैसे हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में देखते हो कि जो प्रेजेंट है प्रेजेंट में ग्रीन दिखता है, और अब्सेंट कर देता हूं तो रेड आ जाता है, और लीव में डे लिखा रहता है, ठीक है, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। आपको इससे फायदा क्या होगा, फायदा यही होगा कि काम करते वक्त अगर यह आइडेंटिफाई करना हो कि सबसे अच्छा रेशियो किसका है, तो उस आइकन से उस कलर से पता कर लोगे, बोला रेड सबसे ज्यादा है तो समझ जाओगे अब्सेंट सबसे ज्यादा है, ग्रीन सबसे ज्यादा है तो प्रजेंट सबसे ज्यादा है, और येलो सबसे ज्यादा है तो छुट्टी पे ज्यादा है। बोलो बिना टेक्स्ट देखे उस सेल के कलर से आप पता कर सकते हो, और प्लस इसका लुक भी अच्छा लगेगा, फॉर्मेट भी अच्छे से दिखाई देगा, सबको पसंद भी आएगा कि जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ अलग है, इन्होंने अलग बनाया है डाटा, तो ऐसा संभव है। एक तो तरीका मैनुअली करोगे, यहाँ पे पी और कर देंगे इसको ग्रीन, कौन को रहा समझ में नहीं आ रहा है, कौन को रहा समझ में नहीं आ रहा है, बोला बोलो तो बोला बीच में, चलो यहाँ पे लिखा पी को देखो ग्रीन कर दिया और टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दिया,
बता, इतना मेहनत करना पड़ा तब ऐसा है, और इसको भी क्या करना पड़ा, थोड़ा बोल्ड करना पड़ा तब ऐसे आ रहा है। वैसे अब्सेंट वाले को रेड करना है, रेड टेक्स्ट कलर वाइट बोल्ड, बोलो तो ये टाइम लगेगा, और कितना हम सेट करेंगे। कोई ऑटोमेटिक तरीका रहता हो जाता तो है, ऐसा संभव है, किया जा सकता है। वो किस ऑप्शन से? कंडीशनल फॉर्मेटिव से। इसको आता हूं, हटा देता हूं, नो फिल ऑटोमेटिक कलर। अब देखो, जहां तक आपको लगाना है ना, पहले उसको सेलेक्ट करिए। तो मान लो मैं अभी 8 तारीख तक या 9 तारीख तक ही लगाना, 10 तारीख तक लगाना है, ये पूरा ले लो, छोड़ो। ये तुम लोग दूसरा दूसरा सोचने लगते हो, पता नहीं क्यों सर तो कम में सेलेक्ट किए। 300 मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद से अब आ जाएंगे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कहाँ पे आएंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो आज कुछ इंपोर्टेंट ऑप्शन सीखेंगे, मतलब जितना आज कवर हो जाए उतना सिखाऊंगा, फिर अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। और आ जाऊंगा हाईलाइट सेल रूल पे, मतलब किस सेल को कैसे हाईलाइट करना है, उसका रूल लगाना है, तो उसके लिए हाईलाइट सेल रूल पे आएंगे। अब हाईलाइट सेल रूल पे आने के बाद देखो कई सारे ऑप्शन दिए हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7, दिख रहा आपको? तो मुझे सबसे 6, चलो यहाँ पे आना है, और अभी ये भी यूज करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन प्रेजेंट टाइम अभी नहीं। आते हैं टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, मतलब किस टेक्स्ट को क्या फॉर्मेट देना चाहते हो, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है। कंडीशन और अगला है फॉर्मेटिंग, मतलब कंडीशन के आधार पे कुछ फॉर्मेटिंग करना हो तो वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाए। बहुत सिंपल सा मतलब है, ठीक है? तो मैं आ जाता हूं और टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक करता हूं, और यहां पे क्लिक करने के बाद से देखो पूछ रहा है कि फॉर्मेट सेल दैट कंटेंट द टेक्स्ट। तो हमने बोला पी, क्या पी, और यहां पे कह रहा रेड में दिखा दूं ये डार्क में दिखा दो। चलो ना, ये हमें पसंद नहीं है, यहाँ पे लेंगे क्या कस्टम फॉर्मेट, अपने हिसाब से लगाना है। इसके लिए कस्टम फॉर्मेट पे आएंगे, और आ जाएंगे कहाँ पे, फिल पे आ जाएंगे, और लेंगे ग्रीन, हो गया। फॉन्ट पे आएंगे, कलर लेंगे वाइट, और कर देंगे बोल्ड, उसको कर देंगे ओके, फिर से ओके, पाला लग गया। फिर से यहीं पे आएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे आएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट लिखेंगे ए, कस्टम पे आएंगे, फिल पे आएंगे रेड, फॉन्ट वाई बोल्ड, ओके ओके। फिर से आएंगे टेक दैट कंटेंट यल, एक बार मेहनत कर लो बस, उसके बाद नहीं करना है। येलो, और येलो पे जो टेक्स्ट रहेगा रेड, ओके। अब मैंने अटेंडेंस बोलना स्टार्ट किया, अब देखो फायदा क्या होगा। हमने बोला सुरेश प्रेजेंट है, अजय प्रेजेंट है, चंदन अब्सेंट है, अभिषेक अब्सेंट है, प्रदीप प्रेजेंट है, और संदीप लिव लिए। फिर से दूसरे दिन मान लो 2 तारीख को आए, फिर से बोला तो उस दिन क्या सुरेश अब्सेंट है, ए अजय लिव लिए थे, चंदन आ गए थे, अभिषेक भी आ गए थे, और ये भी आए थे, और इनका लिव था, आ गए थे। देख लो
सुमारा कुछ मतलब अटेंडेंस बोलते जाएंगे और ऐसे सेल अपना हाईलाइट होता जाएगा। तो जहां पे लोग काम करते हैं ना और जहां पे कंपनियों में इम्प्लाईयों का सैलरी शीट बनाना अटेंडेंस तैयार करते हैं, तो ऐसे कुछ रेंज बनाते हैं जिसे तुरंत पता चल जाए कि किसका क्या संख्या कैसे है और रेशियो तैयार किया है सर। बोलो पहला ही ऑप्शन जो मैं पाया हूँ समय सबको, इसमें किसी कोई दिक्कत बोलो लिख लो स्टेप भूल जाएगा। लेस दे मतलब अब 5,000 से कम जिसका जमा है वो चेक करना। अब बताओ 4 लोग 5 लोगों को छोड़ के मैक्सिमम लोग जो हैं उनका 5,000 से कम पैसा जमा हुआ हो जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही में सेलेक्ट करो, अगर चाहते तो पूरे को चेक कर लो, यहां से लेके यहां तक देखो पूरा हो रहा है। एकदम परेशान कर देता, थक जा रहा है अभी क्या करे, देख रहे हो क्या काम कर रहे हैं। देखो इस पूरे में लेना है तो पूरे को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आ जाएंगे कंडीशनल। और इस बार हम बिटवीन बता देते हैं क्या, कहां से कहां तक हम चेक करना चाहते हैं, 2,000 से लेके 5,000 तक। ओके तो आया बिटवीन का इस्तेमाल क्या मतलब है, हाँ मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना, और यहीं पे इक्वल टू, अगर इक्वल वैल्यू चेक करना हो तो पहले इस रूल को हटा देते हैं, सब गायब हो गए और आ जाएंगे इक्वल टू। तो बस हम चेक करना चाहते हैं जिसका केवल 4,000 जमा वही हाईलाइट, 2 तुम्हारा है। तो काम करते वक्त डाटा बनाते वक्त इस फॉर्मेटिंग का बहुत ज्यादा यूज करते, समझ आ रहा ना जी क्या इसका यूज है, और कहीं पे भी किया जा सकता है जहां पे कोई वैल्यू हो। ये टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे टेक्स्ट का अप्लाई करने का, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन में। तो ये लगभग मैंने आपको इस समय प्रेजेंट टाइम में 4 और ये सब ऑप्शन पढ़ा दिया, यहां तक पढ़ा दिया 5 तक, और इसी में अगला ऑप्शन है एडेट एक्यूरी। इसका क्या यूज है, इसका मैं समझा रहा हूँ अटेंडेंस शीट से। तो मान लो जो हमारे स्टूडेंट थे वो अपना ड्यू डेट दिए थे, सर इस डेट को पैसा हम जमा कर देंगे, तो देखो इसका फॉर्मेट क्या, हमारे सिस्टम का उसी सिस्टम के फॉर्मेट के साथ चलना है हमको, जून 14 23। तो लिखेंगे 6 और यहां पर लिखेंगे 6 कुछ गधे बैठे का करे होंगे।
देखो ये डेट हमने क्या किया, टाइप कर दिया, मतलब सुरेश का ड्यू डेट यह था, अजय का यह था और चंदन का यह था, क्लियर है। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं डेट के हिसाब से चेक कर लूं कि आज के डेट में किसी का फीस का डेट है कि नहीं है। जैसे मैं आता हूं ऑनलाइन तो क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ तो खोजता हूँ, 14 14 14 तुम्हारा फीस का डेट है आज, बोले ही तो करता हूँ जी, या 10 10 किसका बीत चुका है। वो सारा काम हम चाहेंगे तो एक्सेल से कर सकते, ठीक है। मैं चाहूंगा आज के डेट में किसका किसका फीस का डेट है जमा करना है, तो कितना बड़ा डेट रहे उस ऑप्शन को हाईलाइट कर सकते, उस डेट को हाईलाइट कर सकते, उस नेम को देख सकते। तो चलो मैं आता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, मतलब डेट के लिए डेट देना पड़ेगा। हाँ डेट थोड़ा कंफ्यूजन करेगा, किस लिए, क्योंकि देखो सिस्टम में फॉर्मेटिंग अलग रहेगा और यहाँ पे फॉर्मेटिंग अलग रहेगा तो काम नहीं करेगा। आते हैं और क्लिक करते हैं ए डेट ए क्यूरी, और यहाँ पे लिखा गया है टूडे, नहीं काम कर रहा ना। यहाँ पे देखो टुमारो भी नहीं वर्क कर रहा है, लास्ट वीक भी वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए फॉर्मेट थोड़ा सा हम चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मेट ही समझ नहीं पाता, सोच भी दिक्कतें हैं। तो चलो इसको हम कर देते हैं, इस बार इसको 14 और इसको 6, ऐसे आपको भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मेट का अलग अलग तरीका है। एक बार 14 6, देखिए समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। सेलेक्ट, बता दिए ना कौन कौन है, सुरेश और प्रदीप, दो लोग का फीस का डेट था। अब मैं यहाँ पे देखो इसमें सब ऑप्शन दिए गए, उतना ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में नहीं दिया है। अब क्या क्या, तो टुडे आज का चेक कर लिया, लेकिन मान लो कल की जिसका फीस का डेट था वो जमा नहीं किया, उसका क्या करे, ठीक है तू तो छूट जाएगा ना जी। इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे वापस आऊंगा और उसका पिछले क्लासेस में या पिछले डे के हिसाब से चेक करना है तो यस्टरडे टुडे टुमारो सब है, तो हम आ जाते हैं और कर देते हैं क्या, दिस वीक, मतलब इस वीक में जिसका जिसका है वो हाईलाइट हो जाए, कर दें, आएगा क्यों नहीं है लेकिन आ नहीं रहा हाईलाइट, क्यों, क्योंकि इसका डेट का फॉर्मेटिंग अलग है और इसका अलग है। इसका भी मैं कर दूं क्या 15, अरे आप, अरे ये क्या है जी, अरे ये क्या हाइप दब गया, कर दूंगा अच्छे, दिख रहा बाबू। अब देखो मैं यहाँ पे चेक करूं, ये डेट का फॉर्मेट सही से देखो समझ गए, इनका भी है, मतलब डेट एक बार लिख लोगे, मतलब इतना समय आ रहा, कौन सा डेट का फॉर्मेट समय आ रहा है इसको, क्या पहले डे तब मंथ तब ईयर, तो उसी की तरह से बना लीजिएगा। अगर मैं शुरू से बना दूं ऐसे हटा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो इसका फॉर्मेट यही है, पहले डे लिखो, तुमने तो लिख दिया टे 6 23, यहाँ पे 14 15 और 6 ऐसे ला दिया। तो देखो जो फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ और टुडे वाला भी लगाया हूँ, मैं डेट लिखता जा रहा हूँ, पहले देख लो समझ लो। अब देखो अब मैं यहाँ फिर से आता हूँ और फॉर्मेटिंग जो भी लगा उसको क्या करता हूँ, यहाँ से क्लियर करता हूँ, सब गायब हुआ। अब मैं फिर से शुरू से चेक करके बता रहा हूँ, यहाँ सेलेक्ट करिए आज ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे डेट पे, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि आज के डेट में किसी का फीस का डेट है कि नहीं है। अब मैं आप क्या करूंगा, टूडे है क्या,
नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि आज है 14 जून और इसमें 14 जून दिया है क्या? नहीं दिया, इसीलिए नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं कर दूं यहाँ पे टुमारो तो आएगा, बोलो कितना हाईलाइट होगा? हो गया। चलो यहाँ पे आते हैं और उसके बाद से हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं इन द लास्ट 7 डे। तो यहाँ पे देखो इतना हाईलाइट हो जाएगा, मतलब कई लोग 10 करोड़ 12 को जमा कर देंगे, 12 नहीं 13 को जमा कर देंगे। तो अगर आज के डेट के हिसाब से चेक करना है, पुराना वाला भी 2 4 दिन का आ जाए, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, 7 डे पहले का भी आ सकता है। तो देखो सबका हाईलाइट हो गया, इसका इसका भी बाकी है, जमा नहीं हुआ। अगर ये नहीं करना है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया, लास्ट वीक का चेक करना है तो लास्ट वीक वाला हाईलाइट हो जाएगा, लास्ट वीक जो बीता हुआ है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट वीक का चेक करना है तो नेक्स्ट वीक का चेक कर सकते हो, किसका है, संदीप का है। और दिस वीक का चेक करना हो तो यही बताएगा, 15 11 और 12, समझ रही बात है आपको ना। तो डेट के हिसाब से आप फॉर्मेट, और लास्ट मंथ कोई नहीं है, दिस मंथ है और नेक्स्ट मंथ कोई नहीं है, समझ गया। तो आपको तो फायदा क्या होगा, फायदा यही है कि हम कल के डेट में किसका किसका फीस जमा होगा एक बार क्लिक करते ही पता चल जाएगा, बाबू अजय फीस लेके आना, ठीक है। या 7 डे पहले का चेक करना है, अभी क्यों नहीं जमा हुआ, तो आ जाऊंगा इन द लास्ट 7 डे, तो मैं बोलूंगा सुरेश अभी तक फीस नहीं जमा हुआ बाबू तुम्हारा, चंदन आपका भी नहीं जमा हुआ, अभिषेक आपका भी नहीं जमा हुआ, प्रदीप आपका भी नहीं जमा हुआ, मतलब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से भी बेहतर है, ठीक है। तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से इन ऑप्शनों का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। बोलो नहीं तुम्हारा फीस तो बता दूं, आ रहा है ना। बस काम क्यों नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, जब डेट का फॉर्मेट सही नहीं रहेगा, तो एक बार चेक कर लेना कौन सा डेट का फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जून, दे रहा ना आपको, उसी हिसाब से मैं लिखा हूँ लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो एक बार फिर से चेंज कर लेना। ईयर तो लास्ट ही में रहेगा, डे और मंथ को चेंज करके देख लेना, एक बार पहले मंथ डाल देना और उसके बाद से आप डे, या तो पहले डे तो मंथ, एक बार चेक कर ले काम कर रहा है कि नहीं, वैसा समझ में आ जाए, हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैं लिखूं 16 और इंटर दबाऊं, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1 जून, ये बहुत समझदार है। और आप लिखता हूँ 1 0 2 और लिख दो 5, तो समझ गया ये मई है। और वहां पे 1 4 और यहाँ पे कर दिया क्या 7, तो समझ गया जुलाई है, ये ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक है। लेकिन पूरा और आगे बढ़ाना तो सही से काम नहीं करेगा, हो जाएगा बाबू। तो ये तरीके हैं, तो आज मैंने लगभग क्या बताया।